हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांग मैंने आज आम ओडिशार जियोग्राफी उपर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो क्वेश्चन एग्जाम बारंबार आसूची आमर बहुत इंपोर्टेंट बा सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ाक आज आम डिस्कसन करवा। आपण एग्जाम निश्चय ए टाइप क्वेश्चन देखा पाइबे जे कि आमर फायरमैन एवं फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहुची। जदि भी आपण मानक यार पीडीएफ दरकार आपण मैंने जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन होकर यार पीडीएफ टी पारे। बर्तमान आमर टेलीग्राम रे किसी प्रोब्लेम चलती से आम तीन चार दिन हम पीडीएफ अपलोड करूँ बस आउ दिने दुई दिन भितर आम टेलीग्राम टा ठीक होपर आप एका थे जेके पीडीएफ गरा प्रोवाइड करदेवि। बहुत इंपोर्टेंट रोचे आज वीडियो आपण पाखे देखिए गोटे खाता रखु से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब नोट कर रखु। बहुत इंपोर्टेंट बा सिलेक्टेड क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तेज चलतु आज प्रथम क्वेश्चन टी आरंभ करवा। भितरकनिका नेशनल पार्क हाज बीन डेजिग्नेटेड ए रामसर साइट वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस द सेकेंड इन द स्टेट इन द ईयर। एटी क्वेश्चन टी कहे कि पूरा जदि आम सर्ट्रे बुझा भितरकनिका नेशनल पार्क को केबे रामसर साइट रे कन्वर्टेड करागला। करेक्ट आंसर कौन है कहतु 2002, 1998, 1999, 1975 करेक्ट आंसर कौन है आपन कहे ऑप्शन ए 2002 भितरकनिका को आमर रामसर साइट रे कन्वर्ट करागला। बुझी पारिले जे कि ऑप्शन ए हेजीव करेक्ट आंसर। हाँ मैंने आपण मैंने मन रखी थे आमर भितरकनिका नेशनल पार्क कथा पचार मैंने जदि एग्जाम आपको पचारिदेला आमर टोटाल केतोटी नेशनल पार्क अच्छी आपन कहे आमर दुईटी नेशनल पार्क अच्छी। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप नोट कर रखुद बहुत इंपोर्टेंट रर्तमान आमर दुईटी नेशनल पार्क अच्छी गोटे है भितरकनिका नेशनल पार्क एवं आउ गोटे है कौन शिमिलीपाल नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क आमर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित एवं शिमिलीपाल नेशनल पार्क टा आमर कौटी अवस्थित आपण कहे मयूरभंज रे जेकि शिमिलीपाल नेशनल पार्क टा अवस्थित। दुईटी नेशनल पार्क अच्छी जदि पचार वन्यजंतु अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केतोटी अच्छी आपण कहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेकि आमर 21टा अच्छी मन रखि थे 21टा वन्यजंतु अभयारण्य 21टा नेशनल पार्क 2टा एवं रामसर साइट केतटा रामसर साइट अच्छी 6टा। चलतु प्रथम आम रामसर साइट रो नाम जाणी नबा एवं केउं डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी सेटा भी मध्य जाणी नबा। प्रथम है आमर अंशुपा हूँ गोटे रामसर साइट रे जाउची। सेकेंड रे होची भितरकनिका नेशनल पार्क भितरकनिकाटा आमर रामसर साइट रे जाउची। तापर रहला तीन नंबर है चिलिका चार नंबर आमर है हीराकूद पांच नंबर है सातकोशिया एवं छ नंबर है नोट कर दिं दुईटी छ नंबर आमर है टांपरा। बुझी पाले आमर जे कि ए छटा रामसर साइट ओडिशा रे अच्छी बहुत इंपोर्टेंट रहुची। पचारिबो जदि अंशुपाटा आमर कोउटी अवस्थित कौन कहबे अंशुपा भितरकनिका चिल्लिका लेक तापर को आमर हीराकुदटा सातकोशिया टांपरा ये बहुत इंपोर्टेंट रहुची। देखंतु छटा आपण जानिले आमर रामसर साइट अच्छी दुईटा नेशनल पार्क अच्छी वन्यजंतु अभयारण्य बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी 21टा कौन कही गोटे है बाईसपल्ली जोटी बाईसपल्लीटा जेक आमर सेटा अच्छी नयागढ़ कलरापत कलाहांडी कपिलासटा आमर अच्छी ढेंकानाल कोठाकोटाटा अच्छी आमर कंधमाल सुनाबेड़ा अच्छी नुआपड़ा रे भितरकनिका केन्द्रापड़ा उषाकोठीटा संबलपुर गहीरमथाटा आमर केन्द्रापड़ा रे जाउची। तापर को शिमिलीपाला आमर मयूरभंज हरदगढ़टा आमर कोठी जाउची जानिचंती हरदगढ़टा आमर केन्दुझरे जाउची। तापर को सातकोशिया अनुगुल कुलढियो बालेश्वर देवरीगढ़ कौटी देवरीगढ़ आमर कहे बरगढ़ ये सब हूँ बहुत इंपोर्टेंट रोचे ये सब आप नोट करके रखु। जदि भी आपण मानक स्पेशल केवल नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ उपर क्वेश्चन दरकार वाइल्ड लाइफ उपर ताहले आम आम चैनल को वीडियो अपलोड कर देचु यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेबू आप जाए थे देखी नि बहुत इंपोर्टेंट रोचे। ये जाकि पचारा कि भितरकनिका नेशनल पार्क आपण कहे ऑप्शन ए 2002 भितरकनिका नेशनल पार्क आमर रामसर साइट को जाता। तेज चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 51 देखु हुई अब द फलोईंग इज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन ओडिशा। कौन कहला ना बायोस्फीयर रिजर्व जे कि जीवमंडल आमर आपण मैंने जानते हैं गोटे मात्र जीवमंडल अच्छी तार नाम कौन
कौन ना आप कहे ऑप्शन बी शिमिलीपाल। शिमिलीपालटा को आमर होची गोटे मात्र बायोस्फीयर रिजर्व। शिमिलीपालटा होची गोटे बायोस्फीयर रिजर्व एवं गोटे कौन शिमिलीपालटा कौन आप कहे शिमिलीपाल गोटे आमर नेशनल पार्क रे जाउची। शिमिलीपाल गोटे नेशनल पार्क तापर शिमिलीपाल गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं शिमिलीपाल गोटे टाइगर रिजर्व भी मध्य बुझिपारे। बहुत इंपोर्टेंट रोज गोटे जिनस क्वेश्चन बाहर जापर रिलेटेड क्वेश्चन जे कि आमर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 52। हु इज फॉन्डली रिमेम्बर अस गरिबाल्डी ऑफ ओडिशा जे कि ओडिशार कहा को कौन कह जाए ना गरिबाल्डी बोली कुहा जाए बा विद्रोही कहले चलिबो जे कि ओडिशार प्रथम विद्रोही तांको नाम कौन जदि पचारिला कौन कहबे आपन कहबे ऑप्शन डी वीर सुरेंद्र साई। वीर सुरेंद्र साई को आमे गरिबाल्डी ऑफ ओडिशा बोली कहि परिबा एवं वीर सुरेंद्र साई होउचंती प्रथम विद्रोही ओडिशार प्रथम विद्रोही पचारिले आपन कहबे वीर सुरेंद्र साई हे जीव आपनकर करेक्ट आंसर। क्लियर बहुत इंपोर्टेंट रहूँ सांग मैंने आज वीडियो एग्जाम बहुत पाखे आसला आउ तीन चारोटी दिन यही चारोटी दिन भितर आपने भले से प्रिपेरेसन हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 कौन कौन देखूँ। हु इज द अथर ऑफ द बुक पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर लेखक किए। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर लेखक किए करेक्ट आंसर कौन है 53 र आपण कहबे ऑप्शन बी गोपालचंद्र प्रहलाद। गोपालचंद्र प्रहलाद होउचंती ओडिया भाषाकोश पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर अथोर लेखक ऑप्शन बी हे जीव जे कि हमर करेक्ट आंसर। क्लियर चलंतु वर्तमान आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन टी कहो कि कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। टिके पूर्व आपको कहीकिली आमर जे कि 21टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी तत्मध्यरु कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा आमर केउठी अवस्थित करेक्ट आंसर कौन है कहतु। ऑप्शन ए रे देला नयागढ़, बी रे कटक, सी रे ढेंकानाल, डी रे गंजाम। करेक्ट आंसर कौन आप कहे कपिलासटा जे कि आमर ऑप्शन सी ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट अवस्थित। ढेंकानाल जे कि आमर कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा वन्यजंतु अभयारण्यटा अवस्थित ऑप्शन सी हो जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 55। द फर्स्ट ओडिया लेडी टू हैव रिसीव पद्मश्री। प्रथम ओडिया लेडी किए जी कि पद्मश्री अवार्ड पाई कहतु। प्रथम ओडिया लेडी किए जी कि पद्मश्री अवार्ड टाक पाई रिसीव करोश्चि नंबर 55 र करेक्ट आंसर कौन है आप कहे ऑप्शन ए शैलबाला दास। शैलबाला दास जे कि प्रथम लेडी जी कि पद्मश्री अवार्ड टाक पाई बुझिपारे। देखु अवार्ड और ऑनर उपर गोटे क्वेश्चन आप गोटे कि दुईट क्वेश्चन निश्चय देखा पाइबे से बर्तमान एवं कंटिन्यू आपंकर जो डाउट पद्मश्री पद्म विभूषण पद्मभूषण टोटाल डाउट आपंकर क्लीयर हो कितु भिडियो को आप शेष पर्यटन देखूँ सब क्वेश्चन मुझे आपरी रखी जेकि बछा बछा क्वेश्चन एग्जाम आसवर 100% चान्स अच्छी। प्रथम आपत जाने पद्मश्री अवार्ड टाक जे कि आमर लेडी प्रथम फीमेल कथा पचार मैंने कहे शैलबाला दास जे कि प्रथम लेडी जी कि पद्मश्री अवार्ड टाक पाई। क्लियर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन टी कहे कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया टू हैव रिसीव पद्मश्री। प्रथम लेडी आप जानते शैलबाला दास कितु ये कहला कि प्रथम मेल किए जी कि कौन पाई ना पद्मश्री अवार्ड टाक पाई प्रथम पुरुष किए करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन सी श्री लक्ष्मी नारायण साहू। श्री लक्ष्मी नारायण साहू जे कि प्रथम माने मेल जी कि आमर पद्मश्री अवार्ड टाक पाई केबे पाई जदि पचारे कौन कहे ना 1955 रे जे कि श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी कि आमर पद्मश्री अवार्ड टाक पाई। ऑप्शन सी हो जीव ठीक करेक्ट आंसर। मेल गला फीमेल प्रथम महिला एवं प्रथम पुरुष आमर गला पद्मश्री अवार्ड ठीक अच्छे। तापर वर्तमान आम देखा कौन पद्म विभूषण। क्वेश्चन टी कहे कि हु एमंग द फर्स्ट ओडिया टू हैव बीन कन्फरेड विथ द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण। प्रथम ओडिया किए जी कि पद्म विभूषण पाई कहतु पद्म विभूषण अवार्ड टाक किए पाई आप कहे ऑप्शन सी केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र जे कि प्रथम ओडिया जी कि पद्म विभूषण अवार्ड टाक पाई बुझिपारे ना बुझिपार ना जदि भी आपण मानकर इनकेस किसी भी डाउट रोचे आपण आमको कमेंट करूँ आम निश्चय चेस्टा करूँ आपणकर डाउट व आपणकर प्रोब्लेमटा क्लीयर करने। हाँ आउ गोटे कथा आपण को
कौ टॉपिक रो वीडियो दरकार सेटा भी आपण आमको प्रोवाइड करंतु आ के कम दिन रहला से कम दिन में आमे चेष्टा करबो आपण को प्रोवाइड करबा पई बुझिले जे कि पद्म विभूषण कथा पचारेले आपण कबे केळुचरण महापात्र आ जदि पचारिबो प्रथम पद्मश्री जे कि लेडी फीमेल कथा जदि पचारिबो आपण कबे शैलबाला दास प्रथम मेल कथा जदि पचारिबो पद्मश्री किए पाइथिले आपण कबे लक्ष्मी नारायण साहू ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 58 Who among the following is the first Odia sports person to have received Padma Shri? बढ़िया क्वेश्चन टी कहिला एठी कहिला कि प्रथम स्पोर्ट्स पर्सन किए जिए कि पद्मश्री अवार्ड टाकु पाइचंती करेक्ट आंसर कोन हेबो 58 रो आपण कबे ऑप्शन सी दिलीप तुर्की जे कि हमर प्रथम कोन स्पोर्ट्स पर्सन जिए कि तांकु पद्मश्री अवार्ड रे से सम्मानित होइचंती दिलीप तुर्की करिवे बुझि पाइले ऑप्शन सी हे जिवो जे कि हमर करेक्ट आंसर 58 रो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन कहूची हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया टू कोन ना हमर एटा भीटा एक्स्ट्रा टाइपिंग हे जाइची हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओडिया लिटरेचर ओडिया लिटरेचर रे जे कि किए प्रथम जे कि हमर ज्ञानपीठ अवार्ड टाकु पाइचंती प्रथम किए ज्ञानपीठ अवार्ड टाकु रिसीव करिचंती तांको ना कोन क्वेश्चन नंबर 59 नो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु आपण कबे ऑप्शन बी गोपीनाथ महांती जे कि प्रथमे ज्ञानपीठ अवार्ड टाकु पाइचंती केबे पाइचंती जदि पचारिबो कोन कबे ना 1973 रे ज्ञानपीठ अवार्ड जे कि गोपीनाथ महांती पाइचंती केबे ना 1973 मने रखिथिबे केउ ति पाइले पाइचंती गोपीनाथ महांती 1973 रे जो पाइले ज्ञानपीठ अवार्ड केउ ति पाइ कि पाइले ना तांकर गुटे लेखा थिला कि माटी मोटाळ पाइ कि 1973 रे गोपीनाथ महांती को ओडिया लिटरेचर क्षेत्र रे गोपीनाथ महांती को कोन ना हमर ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा गला क्लियर तापर देखंतु गोपीनाथ महांती को हमर साहित्य एकेडमी मु मध्य दिया जाइछि जदि एग्जाम रे आपन को पचारिला गोपीनाथ महांती को केबे साहित्य एकेडमी अवार्ड रे सम्मानित करा गला आपन केबे 1955 रे जे कि गोपीनाथ महांती को साहित्य एकेडमी अवार्ड रे सम्मानित करा गला ताकर गुटे लेखा थिला प्रसिद्ध अमृत संतान पाई कि 1955 रे गोपीनाथ महांती को साहित्य एकेडमी अवार्ड रे सम्मानित करा गला 1973 रे माटी मोटाळ पाई कि गोपीनाथ महांती को ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा गला क्लियर चलंतु वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 60 देखंतु कोन कहिला गोपीनाथ महांती रिसीव द केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर हिज क्विज नेबेल देखों सांग मैंने टिके पूर्व आप कही कि आसिले कि गोपीनाथ महांती को केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया जाइए जे कि अमृत संतान पाई कि ठीक अच्छे जे कि अमृत संतान पाई दिया जाइए क्वेश्चन टाइम कौन करा ना गोपीनाथ महांती केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड क्यों नोबेल पाई कि दिया जाइए आपण कभी अमृत संतान नोबेल पाई कि गोपीनाथ महांती केबे दिया जाइए साहित्य एकेडमी अवार्ड ना 1955 1955 जे कि गोपीनाथ महांती अमृत संतान पाई कि केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड रे सम्मानित करा जाइए तांकर जे कि प्रसिद्ध गोटे नोबेल थिला सी होची अमृतर संतान सेतिपाई कि तांको साहित्य केंद्रीय एकेडमी अवार्ड रे सम्मानित करा जाइए सेमती पचार दबो गोपीनाथ महांती को ताकर केउ नोबेल पाई कि तांको दिया जाइतिला कोन ना ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाइतिला आपण कबे माटी मोटाळ पाई कि 1973 रे गोपीनाथ महांती को जे कि ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा जाइतिला क्लियर मसिया भी मने रखिथिबे मसिया भी आपण मानकर बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहूची तबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 61 सांगो माने वीडियो डी जदि आपण मानको भलो लागु थाए तबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक कर दियंतु ए टाइप रो अपडेट पाइबा पई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करूचे बहुत हेल्प करबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो क्वेश्चन नंबर 61 देखंतु हुइच इज नोन हैज द लार्जेस्ट विलेज ऑफ ओडिसा ओडिसा रो जे कि कहला कि लार्जेस्ट विलेज रो नाम कोन सबुठारु बड़ विलेज रो नाम कोन कहबे क्वेश्चन नंबर 61 आपण कहबे ऑप्शन डी भुवन भुवनटा जे कि हमर हे जाउची सबुठारु बड़ विलेज भुवनटा हमर केउठी अवस्थित जदि पचारिबो को डिस्ट्रिक्ट रे आपण कहबे ढेंकानाल मने रखंतु ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रो भुवन ग्रामटा हेउची ओडिसा रो सबुठारु बड़ ग्राम मने रहिला जदि सेकंड ग्राम कथा पचारिबो कोन कहबे सेकंड लार्जेस्ट कथा पचारिले कोन कहबे ना सेकंड लार्जेस्ट हेउची हमर गुटे फतेहगढ़ अछि कोन ना फतेहगढ़
ଗୋଟିଏ ଅଛି ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମ, ସେ ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ଫତେଗଡ଼ଟା କେଉଁଠି ନା ନୟାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଟିକେ ଦୂର ହେବ, ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ଫତେଗଡ଼ଟା ଯିଏକି ଆମର ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଭୁବନଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ କ'ଣ କହିବେ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ପଚାରିବ କ'ଣ କହିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କଟକ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ପଚାରିବେ କ'ଣ କହିବେ ନା ରାଉରକେଲା, ରାଉରକେଲା ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି। ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିବେ ବରହମପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବରହମପୁର ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ରାଉରକେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କଟକ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ ପଚାରିକି ପଚାରିଦେବ ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ କହିବେ ରାଉରକେଲା ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ଲିୟର। ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ କହିବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା 1986ରେ। ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ନା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା 1993ରେ। ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର 1973ରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଯାଇକି 1986ରେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ଆମର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 1993ରେ। ମସିହା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ପଚାରିଦେବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, କ୍ଲିୟର। ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆମର ତ 61 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଭୁବନ ହେଇଗଲା ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 62, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କହୁଛି କି ମହାଗିରି, ମହାଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଥିଲା କହୁଥିଲେ ନା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୋଧେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହବାର ଥିଲା କି ମାଲ୍ୟଗିରି ହବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ମହାଗିରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ଯେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଦେଖିଲୁ, ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆମେ ଯାଇକି କଳାହାଣ୍ଡି ମାନିକି ଚାଲିଲୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ମହାଗିରିଟା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ମହାଗିରି ହେଇନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ମହାଗିରି ହେଇନଥିବ, ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଚାରିଦିଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବିଷୟରେ ବି କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେ କି ନୀଳଗିରି ହିରି ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ନୀଳଗିରି, ନୀଳଗିରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣ କହିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେ କି ଆମର ନୀଳଗିରିଟା ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ମଳୟଗିରି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମଳୟଗିରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ କହିବେ ନା ମଳୟଗିରିଟା ଆମର ଅନୁଗୁଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଅନୁଗୁଳରେ ଯେ କି ମଳୟଗିରିଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ନିୟମଗିରି, ନିୟମଗିରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କୁହନ୍ତୁ, ନିୟମଗିରି, ନିୟମଗିରିଟା ଆମର ଯେ କି ଅବସ୍ଥିତ ରାୟଗଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କୁହନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗଜପତି, ଗଜପତିରେ ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବି ଆମର ଗଜପତିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ମହାଗିରି ନ ପଚାରିକି ଯଦି ବି ମହାଗିରି ପଚାରିଛି, ଆପଣ କହିବେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମେ ଏଇଟା ସିଓର ନାହୁଁ କି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହାଗିରି ନ ପଚାରିକି ପଚାରି ଦେଇଥିବ ନୀଳଗିରି, ଆପଣ କହିବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମଳୟଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, ନୀଳଗିରିଟା ଆମର କେଉଁଠି ରାୟଗଡ଼ା, ନୀଳ ସରି ନିୟମଗିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମଗିରିଟା ଆମର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆମର ଗଜପତିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବି ଆମର ଗଜପତିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଏମିତି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଚାରିକି ଏଇ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିଲି, ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ହିଲ୍ ଉପରୁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ହିଲ୍ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ, ନଦୀ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ, ତାପରକୁ ଆମର ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍, ୱାଟରଫଲ୍ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏହା ଉପରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ସିଓର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 63। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କହୁଛି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜଣ୍ଡିସ୍,
आमर जो जंडिसटा हुए डंडिस डंडिस आउटब्रेक इन सम सिटी ऑफ ओडिशा रिसेंटली वाज ड्यू आमर जो डंडिसटा हुए सेटा कोन पाई कि हुए केउति पाई कि डंडिसटा हुए कोंतु आपण कहबे ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर रो असुविधा थिले बा सेटा किछि कोन प्रदूषण थिले जे कि आमे जदि सेटा को व्यवहार करिथाउ ताले हमकु डंडिसटा होइथाय ऑप्शन सी हे जीवो जे कि आमर एठी करेक्ट आंसर ए क्वेश्चनटा आमर 2015 ए क्वेश्चनटा 2015 रे आमर आसीतिला बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन काहे कि ना से समय रे डंडिसटा व्यापी थिला ना बहुत सेति पई के क्वेश्चन टे आसला बहुत इंपोर्टेंट रहउची क्वेश्चन नंबर 64 देखंतु ए क्वेश्चनटा भी आमर कोन ए क्वेश्चनटा भी 2015 एग्जाम रे आसीतिला कोन कहला ना हु हार्ड कंस्ट्रक्टेड कटक टाउन कटक टाउन टाकु किए तयारी करथिले कटक टाउन टाकु किए तयारी करथिले कोंतु मुकुंद देव ना खारवेल ना नृपकेशरी ना चोड़गंग देव करेक्ट आंसर कौन हम 64 आपण कहबे ऑप्शन सी नृपकेशरी नृपकेशरी जे कि कटक टाउन टाकु कंस्ट्रक्टेड करथिले तयारी करथिले कटक टाउन टाकु जे कि नृपकेशरी तयारी करथिले ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 65 नंबर कौन कौन ना डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय डेंगूटा आमर कौन पाई होता है कहतु डेंगूटा आमर कौन होता है कहतु डेंगूटा जो आम डेंगू जानते रिसेंटली जे कि भुवनेश्वर आम डेंगू व्यापी बहुत इंपोर्टेंट रोचे क्वेश्चन टी डेंगू जेहेतु रिसेंटली व्यापी मैंने क्वेश्चन टी एग्जाम आसी जाए पारे आपण कहे डेंगूटा जो हुए मशा कामुड़े डेंगू हुए तमें करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन बी मस्क्यूट्स ठीक अच्छे जेकि डेंगू जेकि मशा कामुड़ द्वारा डेंगूटा होता है ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 66 हुई इज नोन हाज द ब्लाक पगोड़ा ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत थर कही तो आपड़ापर ब्लाक पगोड़ा क्या कह जाए ना ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर को ब्लाक पगोड़ा कह जाए व्हाइट पगोड़ा आम जगन्नाथ मंदिर को कह जाए बुझिपारे तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन टी कहुची होयर इज धामरा पोर्ट लोकेटेड धामरा पोर्ट आमर दाबा धामरा बंदरटा केउं डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित करेक्ट आंसर कोन हेबो ऑप्शन सी भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे जेकी धामरा पोर्टटा अवस्थित चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 68 कहुची कि हु इज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रथम लेडी किए जेकी ओडिशार गवर्नर ओडिशार गवर्नर नुहे किंतु ये पचार प्रथम लेडी ओडिशार प्रथम लेडी किए जी कि गवर्नर होते करेक्ट आंसर कौन है कहतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन आपको पूरा डाउट क्रिएट करो क्वेश्चन प्रथम बुझुं तापर आंसर दिखाँ क्वेश्चन टी कि हु इज द फर्स्ट लेडी गवर्नर फ्रॉम ओडिशा ओडिशार प्रथम लेडी किए जी कि गवर्नर होते 68 करेक्ट आंसर कौन कौन करेंगे आपण कहे ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू जे कि प्रथम ओडिया लेडी ओडिशार जी कि गवर्नर रही थे सी कहीन कि कौटिकार गवर्नर रही थे क्वेश्चन टी पचार कि ओडिशार प्रथम लेडी किए आपण कहे ओडिशार प्रथम लेडी होती द्रौपदी मुर्मू जे कि ट्राइबल ठीक अच्छे जे कि आम झारखंड गवर्नर रही थे झारखंड गवर्नर होते किए ना द्रौपदी मुर्मू जेकि ओडिशार प्रथम लेडी सीए जेकि झारखंड गवर्नर होते आमर द्रौपदी मुर्मू जेकि कौन ना फास्ट कौन ना ट्राइबल प्रेसिडेंट जदि पचार फास्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट किए प्रथम ट्राइबल प्रेसिडेंट होती द्रौपदी मुर्मू जेकि सी ओडिशार बिलंगस करुँचं जो मैंने नंदिनी शतपथी कहते नंदिनी शतपथी आपंकर भूल हो कहीं नंदिनी शतपथी होती फास्ट फिमेल ओडिशा चीफ मिनिस्टर प्रथम फिमेल चीफ मिनिस्टर ओडिशार होती नंदिनी शतपथी किंतु ये पचार कौन ना आम गवर्नर फास्ट ओडिया प्रथम ओडिया लेडी किए जे कि कौन होते ना गवर्नर होते जे कि द्रौपदी मुर्मू हो करेक्ट आंसर और द्रौपदी मुर्मू जदि क्वेश्चन टी पचारा फास्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट किए आपन कहे द्रौपदी मुर्मू होती प्रथम ट्राइबल प्रेसिडेंट क्लीयर चलतु क्वेश्चन नंबर 69 देखा कौन कौन देखो सांग मैंने ये क्वेश्चन नंबर 69 कौन पचारा देखु क्वेश्चन टी कहुची हु इज द सारथी कहार ना दर्पदलन रथर सारथी किए आपण एटी प्रथमे कहतु दर्पदलन रथ का क्यों ठाकुर नाम कहा रथर नाम हो दर्पदलन रथ कहे माता सुभद्रा माँ सुभद्रा माँ सुभद्रा
माँ सुभद्रा रथर नाम हूँ द्रपदलन। एटी क्वेश्चन टी कहे कि माँ सुभद्रा रथर जो सारथी थाए नाम कौन सारथी नाम कौन क्वेश्चन नंबर 69 नाइन करेक्ट आंसर कौन है आप कहे ऑप्शन कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर 69 रो करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन ए अर्जुन। अर्जुन हूँ माँ सुभद्रा रथर सारथी नाम ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। एमती भी एग्जाम क्वेश्चन आपको पचारिद माता सुभद्रा रथर नाम कौन ना दर्पदलन एवं दर्पदलन सारथी जी थे नाम हूँ अर्जुन। क्लीअर तापर देखा कौन ना माताली डारू धरुक ठीक अच्छे ये सब आप बर्तमान देखा देखु नंदीघोष। नंदीघोष रथर नाम प्रथम आपतु क्यों ठाकुर रथर नाम हूँ नंदीघोष आप कहे जगन्नाथ जगन्नाथ रथर नाम हूँ नंदीघोष। नोट करूँ क्वेश्चन टी रथर नाम भी पचारिदारे जगन्नाथ रथर नाम हूँ नंदीघोष। नंदीघोष सारथी जी थे नाम कौन कौन कहे ना ऑप्शन सी जाए था करेक्ट आंसर धारुक ठीक अच्छे जे कि जगन्नाथ रथर सारथी थे एवं जगन्नाथ रथर कलर कलर कथा जदि पचारे कौन कहे ना येलो येलो एंड रेड येलो एंड रेड हूँ जगन्नाथ रथर कलर एवं सुभद्रा माँ सुभद्रा रथर कलर कौन रेड एंड ब्लू रेड एंड ब्लू जो माने भी ब्लैक कहे से भूल ब्लूटा आम कौन से दूर टी ब्लैक देखा जाए किंतु सेटा ब्लैक नुहे रेड एंड ब्लू हूँ माँ सुभद्रा रथर कलर नाम रंगर नाम एवं जगन्नाथ रथर कलर हूँ येलो एंड रेड एवं तालध्वज बलभद्र रथर नाम कौन जदि पचारदेला बलभद्र बलभद्र रथर नाम हूँ तालध्वज। नोट करूँ तालध्वज हूँ बलभद्र रथर नाम जे कि सारथी नाम हूँ कौन कौन कहे ना माताल ठीक अच्छे माताल हूँ आम बलभद्र रथर सारथी नाम एवं बलभद्र रथर कलर क्यों टाइप ना ग्रीन एंड रेड। नोट करूँ ग्रीन एंड रेड बुझिपारे सांग मैंने गोटे क्वेश्चन रू देखुंत केोश्चि आम बाहर बहुत इंपोर्टां आपण मानी रोचे।